तो जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में आपने थंबनेल देखा ही होगा, तो वैसे आपको पता चल गया होगा पहले से ही कि मतलब कोस्ट गार्ड ग्राउंड ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच में आपने अगर फॉर्म फिलअप करना है तो क्या क्या उसमें सावधानी बरतनी है। मैं ये नहीं बताऊँगा क्या क्या गलतियाँ आपको करनी है या क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। मैं आपको ये बताऊँगा कि भाई अगर पानी है इसमें नौकरी तो आपको हर एक स्टेप पर ध्यान देना होगा। जैसे SSC GD होता है, यहाँ पे अर्धसैनिक बल में जिस पेपर आपको दिला दिया देने जाता है, अगर आपकी फ़ोटो मान लो कोई ज़्यादा एज की हो गई और मान लो नहीं मैच कर रही है, तो फिर वहाँ पे ये होता है आप फोटो देखेंगे तो चलो पेपर दे दो, तुम साइन वाइन साइन वगैरह करवा के पेपर देने देते हैं। लेकिन कोस्ट गार्ड ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपको नहीं देने दिया जाएगा। अगर कोई भी मिस्टेक है आपके किसी भी चीज़ में, कोई भी मिस्टेक, अगर पेपर में एडमिट कार्ड में कुछ भी आपने गलत कर रखा है, उन्होंने पूरा एक प्रोफाइल तैयार कर रखा है, आप देख सकते हो ऑफिशियल साइट पे जा करके उन्होंने पूरा चार्ट तैयार कर रखा है कि क्या क्या गलती अगर आप करते हो तो आपका फॉर्म हम रिजेक्ट कर देंगे, अपनी तरफ से बिल्कुल पेपर तक देने नहीं देंगे, ये जो होता है। और लास्ट अगर आप फाइनल भी कर गए ना, तो डॉक्यूमेंट जब चेक होने लगता है वहाँ पर भी अगर एक गलती आपको मिलती है कि आप जैसे मेरा नाम अभिषेक है तो अभिषेक में चलो अभिषेक सही से लिखेगा, पांडे में कोई कोई लगाता है DAY लगा देता है, कोई DEY लगा देता है, तो ये खास कर ध्यान देना पड़ेगा आपको कि आपको अपनी जात जो है कास्ट है वो लास्ट वाला देख के हर एक चीज़ को डिटेल में देख करके आपको साइबर कैफ़े फॉर्म अगर भरवाना है तो साइबर कैफ़े के बगल वालों मतलब अगर बैठ के देखते रहो, हाँ ये फिलअप किया आपने, ये फिलअप किया आपने, ये फिलअप किया आपने, क्योंकि अगर आप एक बार सबमिट हो गया तो वो दोबारा तो एडिट होगा नहीं। और शायद एडिट विंडो ये ओपन कर दें, जैसे एयरफोर्स पहले नहीं करता था अब वो भी करने लगा, क्योंकि अग्निवीर बना दिया तो फॉर्म कम जाते हैं उसमें, तो इसलिए एडिट विंडो हर तरीके से जो बच्चे आ रहे हैं उनको ये दिखाने की कोशिश की जाए हाँ हम भी इंगेज हैं आपकी नौकरी में, तो ये दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो एडिट विंडो शायद ही इसमें ओपन हो कोस्ट गार्ड में, तो उसके लिए मतलब टेंशन ना लो कि एडिट विंडो चालू होगी या नहीं होगी, पहले ही अपना फॉर्म जो है वो अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप करो। तो मेनली ये करके था क्योंकि भाई नोटिफाई करना कि मेरे पास जितने भाई मेरे भाई लोग हैं मेरे मतलब हम जो कैंडिडेट हैं एस्पायरेंट हैं कोस्ट गार्ड के, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर के अगर आपने तैयारी की रखी थी अच्छे से, जिनकी कुछ कुछ बच्चों के तो नंबर बनने 123 प्लस 116 प्लस, तो भाई बहुत अच्छे हैं आपके नंबर, बहुत 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 अच्छे हैं, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छे हैं। फिजिक्स जैसे आई थी जिस लेवल की, केमिस्ट्री जिस लेवल की आई थी उसमें आपने 116 प्लस 123 प्लस किया है, बहुत बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो कोस्ट गार्ड आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए, ग्राउंड ड्यूटी आपको जरूर जरूर से GD वाला फॉर्म जरूर से जरूर फिलअप करना चाहिए, और रही बात जिनके नंबर कम हैं उनको भी फिलअप करना चाहिए, क्योंकि इस बार बदलाव किया गया है। पेपर फर्स्ट होने के बाद पेपर सेकंड आपको एक रिटर्न थोड़ा सा करवाया जाएगा SRT के, जैसे जैसे एयरफोर्स में होता था सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, तो वैसे ही SRT के तौर पे आइए आपका पेपर यहाँ पे करवाया जाएगा। तो अगर ये फॉर्म आपको सोच भी रहा हो कि ना फिलअप करें तो फिलअप कर दो भाई, क्योंकि कोस्ट गार्ड ऐसी एक वैकेंसी है जिसमें भाई आपको तैयारी करने का, अगर मैं कहूँ कि जैसे UP पुलिस हो गया, आप किसी भी सेना में हो गए, BSF में हो गए, CRP में हो गए, तो पूरे दिन भर का काम रहता है कि आप 4 बजे उठोगे, 9 बजे तक ट्रेनिंग होगी, उसके बाद खाना वगैरह खाओ, फ़ोन वगैरह देते हैं घंटा चलाने के लिए, बात वगैरह करो, उसका पूरा शेड्यूल बना रहता है उनका, दिन में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, रात में मिलेगा तो रात में आराम करोगे कि पढ़ोगे। तो वैसे यहाँ पे कहें कोस्ट गार्ड की बात करें तो चाहे वो ग्राउंड ड्यूटी हो चाहे डोमेस्टिक ब्रांच हो, 10th डोमेस्टिक ब्रांच आपका 10th भी आप पे फिलअप किया जाएगा, और ग्राउंड ड्यूटी जनरल ड्यूटी जो है वो आपका 12th भी आप पे फिलअप किया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए तो यहाँ फिलअप किया जाता है। तो ये वैकेंसी बढ़िया है यहाँ पे आपको जो पढ़ने के लिए, अगर आप अदर तैयारी करना चाहते हो वहाँ पर रहकर तो वहाँ पर बहुत बड़ा मौका मिलता है, बहुत अच्छा मौका मिलता है यहाँ पर तैयारी करने का, क्योंकि जितने भी हमारे जो कैंडिडेट हमारे साथ जो पढ़ाई किए थे वो बच्चे लगे थे कोचिंग वगैरह से जो पहुँचे हैं, उन्होंने अच्छी तैयारी कर ली थी तो वो सेलेक्ट हुए थे, तो उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ यहाँ पर पढ़ने का जो है टाइम मिल जाता है हमें। तो ये मेन करके मैं बताने आया था। तो अब मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, क्योंकि बस मेनली आपको सभी को पता चला होगा कैसे फॉर्म आपको फिलअप करना है कैसे नहीं फिलअप करना है, तो ये सब कुछ मैंने बता दिया, बारीकियाँ एकदम देख लेना भाई, हर एक चीज़ पे ध्यान देना, कोई भी ये नहीं है कि बस जल्दी जल्दी में आपने लगा दिया, यहाँ फादर्स नेम आया आपने डाल दिया, जो फादर्स नेम है माता का नाम आया मदर्स नेम वो डाल दिया। EWS का एक सबसे बड़ी बात है कि आप जनरल से हो तो कोई भी आपको रिस्क नहीं लेना है, लेकिन EWS से हो, OBC हो, SC ST हो, SC ST का जो सर्टिफिकेट लगता है वो सेंट्रल से बनवाना है, सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया होगा कि सेंट्रल का लगवाना है, तो SC ST का कोई भी नहीं है, वो तो वो एक्सपायर नहीं होता है, वो हमेशा रहेगा बरकरार। OBC का एक्सपायर हो जाता है, EWS का एक्सपायर हो जाता है, तो उसको आपको खासकर ध्यान देना है, जैसे आप फिलअप करोगे जैसे डालोगे OBC
जैसे एक नोटिफिकेशन आएगा अलर्ट का, उस पर लिखा रहेगी, हर बातें लिखी रहेंगी कि आपका जो है ओबीसी इतना डेट को नहीं होना चाहिए, उसे देख के अपलोड करना, नहीं अपलोड कर दो, वहाँ पे आउट करेंगे, करेंगे पक्का करेंगे भाई। उन्हें पता नहीं क्या दिक्कत रहती है, ओबीसी सर्टिफिकेट से उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, वो कर देते हैं आउट। तो ये रही बातें, तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और जिन बच्चों यानी जिन कैंडिडेट ने, जिन भाई ने अगर ग्राउंड ड्यूटी का फिलअप किया होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, डोमेस्टिक ब्रांच का अगर फिलअप किया होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस है पिछला, तो हर एक अनुभव मैं आपको शेयर करूंगा कि जीडी और डीबी आप कैसे क्लियर कर सकते हो, इसका एक सटीक उपाय बताऊंगा मैं। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम और जय हिंद भाइयों।